नमस्ते फ्रेंड, डीआर प्रोडक्शन में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, ये जो स्केमी का प्रोडक्ट है देख सकते हो, स्केमी का मॉडल नंबर है 1456। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 1456 इसका मॉडल नंबर है, विंटेज वॉच के अंदर आता है। और आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वॉच पे टाइम कैसे सेट करते हैं। ठीक है, पूरा टाइम सेटिंग आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले ही ये डिस्प्ले पे देख सकते हो, वॉच फेस पे, फास्ट वॉच फेस पे ये है। ठीक है, और इसे टाइम को सेट करने के लिए पहले ही ये जो नीचे वाला बटन है देख सकते हो, ये जो रीसेट बटन, ये रीसेट बटन है, ये स्टार्ट बटन, यहाँ पर मूड और ये वाला बटन लाइट का, यहाँ पर चारों इंडिकेटर दिया गया है, चार बटन। और रीसेट बटन को प्रेस करके होल्ड करना होगा। ठीक है, देखो मैंने होल्ड किया, एक बीप आया, उसके बाद सेकंड वाला ब्लिंक करने लगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड से मुझे शिफ्ट करना है हावर्स पे, उसके लिए ये जो मूड वाला बटन है, ये मूड को एक बार प्रेस कर देना है। देख सकते हो ये शिफ्ट हो गया, ये मूड शिफ्ट करने के लिए यूज होता होगा। और उसके बाद ये 8 बजा हुआ है। ठीक है, देख सकते हो उसके बाद 8 को चेंज करने के लिए ये जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट को दबा दबा के आपको चेंज करना होगा। जो स्टार्ट बटन है, इससे आपका टाइम चेंज होगा, आगे पीछे होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मिनट पे शिफ्ट करना है, तो मूड को एक बार फिर से दबाना होगा, तो मिनट पे आ गया। मिनट को भी एक बार सेट कर देते हैं, अभी 10:40 हुआ है, तो मैंने इसे 40 पे रख देता हूँ, 40 हो गया। उसके बाद फिर से डेट चेंज करना होगा, उसके लिए मूड को फिर से एक बार प्रेस करना होगा। तो देख सकते हो ये 2006 दिखा रहा है, इसे भी एक बार चेंज कर लेते हैं, अभी तो 2023 चल रहा है साल, तो 2023 हो गया। उसके बाद आते हैं ये मंथ, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो 4 रखना होगा। ठीक है, फोर हो गया अप्रैल का महीना। उसके बाद आते हैं डेट, और कौन सा डेट है, आज का डेट है 8 अप्रैल का 8 तारीख, तो मुझे ये स्टार्ट बटन दबा दबा के 8 कर देना है। देख सकते हो 8 हो गया, तो अभी ये कॉम्प्लीट हो चुका है। देख सकते हो फिर से शिफ्ट कर, तो ये फिर से फर्स्ट पोजीशन पे आ गया सेकंड वाला। ठीक है, तो अभी मुझे और चेंज करना नहीं है, तो फिर से कंफर्म करने के लिए ये जो रीसेट का बटन है, इसे फिर से एक बार दबा के छोड़ देना है। तो देख सकते हो पूरा टाइम सेट हो चुका है, एकदम सिंपल है। आप एक बार जरूर वीडियो को बार बार देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा, सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया गया है। तो और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन है ही, कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। ठीक है, और ये मोड का बटन, इससे ही अलार्म भी सेट होगा। देख सकते हो अलार्म पे आ गया, उसके बाद फिर से रीसेट को एक बार दबा के रख देना है। देख सकते हो दबा के बीप आया, उसके बाद ही ब्लिंक करने लगा। ठीक है, तो इसे भी स्टार्ट वाला बटन दबा दबा के शिफ्ट चेंज करना होगा। उसके बाद मिनट को चेंज करने के लिए शिफ्ट करना होगा, मूड को दबा के, मूड को दबाया तो शिफ्ट हो गया मिनट पे, मिनट को भी ऐसे स्टार्ट बटन दबा दबा के चेंज करने लेना है। उसके बाद ये अगर कंफर्म हो जाए, तो फिर से ये रीसेट को दबाना होगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा। देख सकते हो 8:08 पे अलार्म बजेगा। ठीक है, तो हो गया अलार्म भी सेट हो गया। ये है स्टॉप वॉच, देख सकते हो स्टॉप वॉच, ये ड्यूअल टाइम किसी को लगता है किसी को नहीं लगता है, इसीलिए इसको छेड़ते नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये टाइमर है। ठीक है, टाइमर किसी को लगता है किसी को नहीं लगता है। ठीक है,
जिसको ज़रूरत है वो यूज़ करिए। टाइमर भी ऐसा ही सेट होता है, रिसेट को दबा के रखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेन फेस, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये था ट्यूटोरियल्स केमिका 1456 डिजिटल वॉच का, ठीक है। फुल ट्यूटोरियल आप लोगों को दिया गया है, आपको समझ नहीं आएगा तो एक बार फिर से देखिए, और नहीं आएगा तो फिर से एक बार कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मुझे, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं ऐसे ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो बनाता रहता हूँ, इसका भी रिव्यू किया था, प्लीज़ चेकआउट करिए चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।